एग्जाम में फेल होने के लिए बाबा जी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टेबल्स इन HTML। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझें टेबल्स है क्या। टेबल्स जैसे कि हमारा कोई डाटा है, हमको अगर उसको स्ट्रक्चर या सिक्वेंशियल मैनर में शो करना है, उसमें हम टेबल्स का यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हमको इसको टेबल को HTML में यूज करना है तो वहाँ वो कहाँ पर यूज होगा? जैसे हमको अपना इंक्वायरी फॉर्म बनाना है, किसी से इंक्वायरी करना है, उसके लिए हम फॉर्म जब बनाएंगे, फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद उसको अगर हम टेबल लगा कर उसको अगर हम अच्छा से सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर देंगे तो आप बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, वही यही शक्ल हमारा जो है टेबल्स यूज होती हैं HTML में। तो चलिए सीखते हैं इसको। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इसमें हम नई फाइल बनाएंगे tables.html और tables.html बनाएंगे फाइल और इसमें हम सिंपल सा HTML का कोड लिख देंगे HTML5 करके और इंटर दबा देंगे तो ये हमारा सिंपल सा कोड लिख उठा। सो फ्रेंड्स, अब इसमें हम जो डॉक्यूमेंट है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे टेबल्स के अंदर, मतलब इसको हम बदल देंगे, कर देंगे इसको टेबल। और ये आप हम चलते हैं हमने बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर इसमें हम सबसे पहले H1 लेंगे, H1 मतलब हेडिंग 1। तो इसमें हम H1 लेकर यहाँ पे हम अभी क्लोज कर देंगे, यहाँ क्लोज हो गया। और इसमें हम लिखेंगे अचीवर्स स्टूडेंट्स डाटा इन क्लास 8। तो लिख ले रहे हैं हम, जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमने लिख दिया अचीवर स्टूडेंट्स डाटा इन क्लास 8। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर टेबल टैग लगाएंगे, तो लगा ले रहे हैं। और इसको हम क्लोज भी कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमने टेबल टैग लगा कर क्लोज कर दिया। टेबल टैग के अंदर हम लगाएंगे TR टैग, जो कि काम करेगा टेबल रो की तरह, मतलब टेबल रो है वो। और हम यहाँ पर TR टैग लगा कर इसको क्लोज भी कर देंगे TR टैग। अब TR टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वह क्या कहते हैं ऊपर, जैसे कि हम लिख रहे हैं, पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं यश आर नंबर। इसके बाद हम यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कॉमा लग गया है, तो यश आर नंबर। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेम भी लिख दे रहे हैं नेम और यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये शान नंबर आया और इसके बाद हमारा नेम आ गया। ये होता है टेबल रो, हम अभी आपको और दिखा दे रहे हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। आप कुछ और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑप्टेंड मार्क्स, मतलब कि कितना उसने ऑप्टेंड किया है, ऑप्टेंड मार्क्स। और हम यहाँ पर जब जाके देखेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे आ गए शान नंबर, सीरियल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, ऑप्टेंड मार्क्स। हम चाहते हैं इसको हेडिंग बनाना, मतलब कि जैसे बोर्ड होता है ना, उसमें टेस्ट में हम तो उसको बोर्ड कर देते हैं, लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे TH टैग का, जिसका नाम होता है टेबल हेडिंग। तो हम उसका यूज़ करेंगे वो टैग, टेबल टैग, और यहाँ पर लगा दे रहे हैं TH टैग। और इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देंगे सो फ्रेंड्स, इसी तरह हमको ऑप्टेंड मार्क्स तक TH टैग लगाना है और क्लोज करना है। तो चलिए लगाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमने लगा दिया TR टैग, टेबल रो के अंदर हमने लगाया TH टैग। अब जब हम वहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो ये देखिए, ये आ गया स्टार नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, ऑप्टेंड मार्क्स। और इसके अंदर हम इसके बाद हम TR टैग जहाँ पर क्लोज हुआ है उसके बाद हम फिर से एक TR टैग को लगाएंगे। तो लगाते हैं, चलिए TR टैग को हम लगा लेंगे TR टैग और इसको हम जो है क्लोज भी कर देंगे। ये देखिए हमारा TR टैग लग गया फिर से और क्लोज भी हो गया। अब इसके अंदर हमको जो भी मतलब TD टैग, हम इसके अंदर TD टैग को यूज़ करेंगे, और TD टैग के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे हमने TH, जैसे यहाँ पे है हमें यहाँ TH है, इसके अंदर जो भी हमने लिखा वहाँ पे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें जब TD टैग के अंदर हम जो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे TD टैग के अंदर हम लिख दिए यशान नंबर 1, यहाँ पे 1 लिख दिए, और 1 लिखने के बाद यहाँ पे इसके नीचे आ गया, मतलब सिर्फ यशान नंबर के नीचे आ गया। और अब TD को जो है हम क्लोज करके फिर से टेबल डाटा को ओपन करेंगे, फिर उसमें हम जो भी चीज़ लिखेंगे वह नेम के नीचे आएगा, फिर जो लिखेंगे वो टोटल मार्क्स के नीचे आएगा, मतलब क्लोज कर करके। तो ऐसे ही हम करेंगे, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं इसको, और बस इसको TH को हम TD बना देंगे,
इसको हटा देंगे पहले और इसको पेस्ट कर देंगे। और ये जो टी एच है इसको हम टी डी बना देंगे नीचे भी। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमने सबको टी डी टैग बना दिया। और इसके बाद जो यशान नंबर है इसमें हम लिख देंगे 1 1, और जो नेम है इसको हम हटा कर लिख देंगे सूर्यांशु, जो कि मेरा नाम है सूर्यांशु। और जो टोटल मार्क्स है टोटल मार्क्स में हम लिख देंगे 500, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम 500 लिख दे रहे हैं। ऑब्टेन मार्क्स जो कि हम लिख देंगे 478। तो अब चल के हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यशान नंबर हो गया, नेम हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, ऑब्टेन मार्क्स। इसमें आप मुझको पक्का पता है कि इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुमने ऐसा लिख तो दिया, अगर हम इसके अंदर नीचे लिखेंगे 2 तो इसमें दूसरा नाम लिख सकते हैं, दूसरा मार्क्स लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा टेबल नहीं दिख रहा, मतलब जो लाइन्स होती हैं वो नहीं दिख रहा। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमको टेबल के अंदर बॉर्डर लगाना पड़ेगा, मतलब बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाएंगे, मतलब टेबल को डिफाइन करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाएंगे इक्वल्स टू, और जब इसमें हम लगाकर 1 पिक्सल कर देंगे 1 px। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे ये देखिए ये टेबल में आ गया, ये यशान नंबर 1, नेम सूर्यांशु, और टोटल मार्क्स 500, ऑब्टेन मार्क्स 478। तो ये हमारा डाटा बन गया। और हम आपको ऐसे बना के दिखा दे रहे हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर इसको TR टैग के साथ हमको कॉपी करना था, इसको TR टैग के साथ हम कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो 1 है इसको हम करके 2 कर देंगे, सूर्यांशु की जगह हम दूसरा नाम लिख देंगे, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं आशा, जो कि बहुत ही कठिन नाम है, जो कि मैं भी बहुत कंफ्यूज होता हूँ। टोटल मार्क्स 500 ही रहेगा, और मार्क्स को चेंज करके हम लिख दे रहे हैं 378। और इसके बाद फिर हम एक डाटा ऐसे इसको फिर पेस्ट कर देंगे, इसको 1 को फिर 3 कर देंगे, नेम दूसरा कर देंगे, नेम कर देंगे हम शिवांशु। और जो हमारा ऑब्टेंड मार्क्स रहेगा इसको हम कर देंगे 458। और फिर से हम यही सेम चीज़ ऐसे कॉपी करके जितना भी बार चाहे इसे पेस्ट करके चेंज कर देंगे हम 5-6 बार, तो आपको करके दिखा दे रहे हैं जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। टेबल बनाने के लिए ऐसे करेंगे हम, इसके बाद हम यहाँ पर नाम चेंज करके लिख देंगे देवांश। इसके बाद ये जो ऑब्टेंड मार्क्स इसको चेंज करेंगे 461 लिख दे रहे हैं। और इसके बाद फिर से हम इसको करके, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 4 5 4 होगा, और यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे हम फिर से पेस्ट करके यहाँ पे जो 4 है इसको हम 5 कर देंगे, यहाँ ये जो 4 है इसको हम 5 कर देंगे, और देवांश का जगह हम लिख देंगे प्रशांत। और ये जो 461 है इसको हम 400 कर देंगे 400। और जब हम यहाँ पे अब जब चल के चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे TR टैग शायद नहीं लगा है तो इसको लगा दे रहे हैं TR टैग को हम क्लोज कर देंगे। और चलिए देख लेते हैं हम अपना रिजल्ट। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे यशान नंबर 1, सीरियल नंबर 1, सूर्यांशु, टोटल मार्क्स 500, और ऑब्टेंड मार्क्स मतलब मैं ऑब्टेंड किया हूँ 478। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा टेबल। अब बात करेंगे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जैसे कि हमारा एक एट्रीब्यूट था बॉर्डर, इसके हम 2 और एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। पहला एट्रीब्यूट है हमारा हाइट, तो हम पहले हाइट लिख देंगे हाइट, और हाइट में हाइट की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, स्पेलिंग में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इसमें वो एट्रीब्यूट्स लगेगा नहीं। तो हम हाइट इज इक्वल टू, और हाइट के अंदर हम लिख देंगे 400 लिख देंगे। अब इसके बाद हम विड्थ लगाएंगे WIDTH विड्थ, और इसमें भी हम इक्वल टू लगा कर लिख दे रहे हैं 600। सो फ्रेंड्स ये हमारा हाइट और विड्थ डिफाइन करेगा। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हाइट जो है वो भी बढ़ गया, और ये जो हमारा विड्थ है ये भी बढ़ गया। अभी हम अगर आपको ना समझ में आए तो हम इसको कम करके दिखा दें। हाइट को अगर हम कर देंगे 200, और इसको कर दे रहे हैं हम 300
6300 हो गया, इसको 6 कट कर देंगे और हम देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से छोटा हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।